आज पता है क्या हुआ, मैं तुम्हें एक बढ़िया चीज बताता हूँ, ठीक है। तो आज ऋषि और मैं हमने मेन चैनल पे प्रीमियर करी वीडियो, बढ़िया लगी लोगों को वीडियो, तो लाइक काफी वैसा चिल लोग थे, तो हम भाई चलते हैं भाई गोलगप्पे खा के आएंगे, हमारा चिल यही होता है। तो हम चले गए 31 सेक्टर की मार्केट, वहाँ पे जाके गोलगप्पे खा रहे सब कुछ, फिर ऐसे अंदर घूम रहे, फिर भाई कोल्ड कॉफी पीते हैं, कोल्ड कॉफी पीने बैठे तो ऐसी बात कर रहे हैं, एक लड़का आया, उसको इतना भारी सा बैग लटकता हुआ हाथ में, वो शू ब्रश लेके, भैया आपके जूते साफ कर दूं। ऋषि के सफेद जूते, मेरे स्वेड ये वाले, मतलब जिनको साफ नहीं कर नहीं सकते ये वाले, क्योंकि वो पॉलिश मार देता और गांड भी मार देता जूतों की। तो हमने बोला यार नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो हम कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, सर फ्रेश लाइम सोडा पी रहे हैं। तो वो आया बोलता कि भैया मेरे को ना कुछ खाना है, कुछ खिला दो। पहले उसने बोला भैया आटा दिला दो। तो यूजली जो ये मांगते हैं खाना ये सब कुछ है, इनका सीन पता क्या होता है, तुम इनको आटा दिलाओगे ना, आटा या तो वो खुला देते हैं पैकेट में, ठीक है, 100 रुपए का आटा, कितने का आता है पता नहीं, जितने का भी आता है, एक पैकेट दिला दिया तुमने, जेनरस होके कि बहन आशीर्वाद आटा, इतना बड़ा पैकेट तुमने दे दिया। वो देने के बाद वो क्या करते, तुम तो देके चले गए, तुमने लगेगा उनके घर में खाना वाना बन जाएगा ये सब कुछ है, वो उसी पैकेट को वापस ले जाके उसी दुकान वाले को दे देते, जैसे तुमने 100 रुपए का पैकेट खरीदा तो वो उसे 80 में बेच देते हैं वापस, ऐसा सीन होता है। तो फ्री के दुकान वाले को 20 रुपए मिल जाते हैं और उसको 80 रुपए मिल जाते हैं, मैथ्स लगा, तो ऐसा होता है। तो ये चीज पता थी, तो उसने बोला आटा दिला दो भैया ये वो, मैं आटा नहीं दिलाऊंगा, कुछ खाएगा तो बता, क्योंकि वो लड़का मेहनत कर रहा था, बैग वैग लेके पूछ रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है वो, मैं कुछ खाएगा तो खिला दूंगा, बता खिला दो। तो मैं चला जा, तो ऋषि बैठा था उधर शॉप पे, मैं ऋषि तू यहीं वेट कर मैं इसको दिला खिला, तो मैं उसको लेके गया, मैं पूछा क्या खाएगा, बोला भैया दाल रोटी खिला दो। तो जा रहा था मैं, तो बोलता नहीं यहाँ से नहीं खाना, वहाँ से खाऊंगा, तेरे को पता नहीं है हमारे बारे में, आपके चोदे हैं। तो एक ना वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा अच्छा वाला था रेस्टोरेंट, मैं अच्छा वहाँ से खाएगा मैं, चल। तो आज ना मेरा एडसेंस आया था तो आज पैसे आए थे, तो मैंने पूछा यार तू दाल ही खाएगा, बोलता हाँ मैं चिकन विकन नहीं खाता, बोलता खाता हूँ, उसकी आंखों में ना ऐसे मैंने चमक देखी, हाँ खाता हूँ भैया मैं, चला आ जा। तो जाते जाते ना मैं ऑर्डर करने लग रहा था, तो उसने बोला भैया थोड़ा सा ना थोड़ा ज्यादा दिला देना, मेरे घर पे ना मेरी छोटी बहन है, बहन चोद, मेरी भी छोटी बहन है। मैं हिल गया भाई, मैं भाई तू रुक, और कौन है घर में, बोलता दादी है ये है वो है, मैं रुक, ठीक है, ओ फक, अब उसकी दादी वेजिटेरियन हुई तो फक, ये तो सोचा ही नहीं। तो मैं भाई रुक, मैं भाई भैया एक फुल बटर चिकन कर दो, ठीक है, और 10 तंदूरी रोटी कर दो, मैं इतने में हो जाएगा घर वालों का, वो ऐसे खुश होके हाँ भैया हो जाएगा, मैं एक कोक भी कर दो। के बाद हम बैठे थे वापस कॉफी पी रहे हैं, दो उससे भी छोटे लड़के आए, हम पी रहे हैं, अब वो ना हमारी 4 लोगों की टेबल थी, ऋषि और मैं बैठे हुए, वो दोनों इतने छोटे थे कि वो एक ही चेयर पे दोनों फिट आ गए थे। अब उनमें से ना एक ने बहनचोद ने इतनी सड़ी शक्ल बनाई ना, इतनी सड़ी इतनी गंदी शक्ल बनाई ना उसने कि भाई उसकी आंख ऐसी हो गई, ठीक है, ऐसे गर्दन टेढ़ी कर, भैया कुछ खिलाओ दो, पिला दो, कुछ पिला दो। मैंने उसे देखा 2 सेकंड, उसने मेरे को देखा 2 सेकंड, आई कांटेक्ट हुआ, बोलता पहले मैंने बोला मैं पहले तो तू आराम से बात कर मेरे से, ठीक है, तो वो एकदम से सीधा हो गया, मैं पहले हंस, तो वो हंसा, थोड़ा सा स्माइल करा, फिर वो वापस कैरेक्टर में आ गया। मैंने ये देखो ये अपने कैरेक्टर नहीं छोड़ते कभी भी। ऋषि देख रहा था साइड में बैठा था, मैंने बोला पहले तू हंस, तो ऐसे कर ऐसे ऐसे साइड था ऐसे करता मैं हंस, उसके साइड में जो दूसरा बच्चा था ना वो हंसने लग गया, मैं इसकी तरह हंस पहले हंस, तो फिर वो हंसा, मैं तू ऐसे बात करना, देख तू ऐसे सैड ऐसे दुखी हो जाएगा, ठीक है, तेरे को देख के मैं दुखी हो जाऊंगा, ठीक है, कैसे बात बनेगी। तो हंसते हंसते बोलता अच्छा ठीक है कुछ पिला दो प्लीज भैया, मैं क्या पिएगा, मतलब नींबू पानी पिएगा क्या पिएगा, बोला ना कॉफी पीऊंगा अच्छा ठीक है। तो फिर वहां से 2 कॉफी बनवाई और उसके बाद वो हंस रहे थे पूरा टाइम। तो इन छोटे छोटे बच्चों को ना बहुत तगड़ी एक्टिंग आती है, बहुत तगड़ी भाई, उसने कैरेक्टर ब्रेक नहीं करा, वो टेबल पे परस गया था ऐसे भाई। तो ये हुआ आज, तो काफी फैसिनेटिंग था भाई ये चीज, काफी ज्यादा फैसिनेटिंग थी कि मैं ओके ऐसा सीन है।